गूगल में क्या करना है कि आपको यहाँ टाइप करना है पासपोर्ट। जैसे ही आप पासपोर्ट टाइप करते हैं, आपका जो फर्स्ट लिंक खुलेगा www.passportindia.gov.in, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो ये जो पेज खुलेगा, ये पेज में आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, न्यू यूजर लॉगिन, ट्रैक एप्लीकेशन, चेक अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, ये दिखेगा। प्लस आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, ये सारा बहुत कुछ आएगा यहाँ पे। और ये पूरा वेबसाइट है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम आप जब खोलेंगे यहाँ पे, तो आपको अगर चेक करना है कुछ, जैसे कि फी कैलकुलेटर, तो आप कौन सी कैसी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उसकी फ़ी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। पासपोर्ट एक्ट एंड रूल वो सब देख सकते हैं, क्विक गाइड ये सब देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो ही देख लीजिए, तो आप आराम से पासपोर्ट बना पाएंगे। ओके, तो आप अगर एकदम फ्रेशली न्यूली पासपोर्ट बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी और उससे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं कि न्यू रजिस्टर्ड, इसमें क्लिक करते हैं, आपका क्या खुल जाएगा, यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ पे जो रेड स्टार है, ये सब स्टार मैंडेटरी है जो कि आपको पता होगा। एनीवेज, तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी रहते हैं, सपोज कीजिए कि आप बेंगलोर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, कोची, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, यहाँ हर एक स्टेट की वो है, जगह का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कोलकाता से हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोलकाता चूज़ करता हूँ फॉर कि मुझे सब जगह पता चले कौन से क्या है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, गिवन नेम, सपोज कीजिए ये वीडियो के लिए मैं रखता हूँ गिवन नेम एज राहुल। राहुल सरनेम कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, सपोज कीजिए कि सरनेम हम लोग डालते हैं रॉय। ओके, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के लिए मैं चूज कर लेता हूँ 1992 नवंबर 5th। ओके, ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका ईमेल आईडी है, जो रनिंग कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन में है। जैसे कि ये वीडियो एक एग्जांपल है, तो मैं एक रफ ईमेल आईडी लिख लेता हूँ, राहुल रॉय एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। ओके, अब क्या करना है, डू योर ईमेल लॉगिन आईडी विल बी सेम, तो आप कर लीजिए यस। तो क्या होगा कि आपके जो ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा इस पेज के लिए। पासपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो पासवर्ड क्या लिखेंगे हम, तो कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये पासवर्ड मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ, तो कर लेता हूँ राहुल एनीथिंग, आप कर सकते हैं 251812, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर पाउंड साइन दे सकते हैं, आप कुछ भी परसेंटेज साइन दे सकते हैं। तो कंफर्म पासवर्ड कीजिए यहाँ पे, फिर से जो भी आपने टाइप किया था वो कंफर्म पासवर्ड करने के बाद, हिंट जो क्वेश्चन है ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा ज़रूरी है, इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इससे आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ सिटी है, फेवरेट कलर है, फर्स्ट स्कूल। मोस्टली आप अगर बर्थ सिटी चूज़ करते हैं या फिर फर्स्ट स्कूल चूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये आपको हमेशा याद रहेगा। फेवरेट क्रिकेटर भी डाल सकते हैं, मैं चूज़ कर लेता हूँ बर्थ सिटी। बर्थ सिटी जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोलकाता, कोलकाता कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये जैसे ही आप ये जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं, तो आपको क्या होगा कि विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। उस लिंक से आपको क्या करना है कि आपको खोलना है, और उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो होगा, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और ये मैं रजिस्टर नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कोई ईमेल आईडी वगैरह है नहीं, तो मेरा जो खुद का ईमेल आईडी है उससे मैं खोलता हूँ अब। तो एक बार आप रजिस्टर हो गए, उससे ये भी पता चलेगा कि एक बार आप रजिस्टर हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये पासपोर्ट का जो पेज है,
यहाँ पे आते हैं, आके आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे लॉगिन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूज़र पे जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है वो दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करके आप अपना जो पासवर्ड है वो डालिए यहाँ पे। फिर जो कैरेक्टर्स है वो डाल दीजिए इसमें। अब क्या करना है कि आपको ये जो पेज खुला है ये पेज में सब कुछ करना है। जैसे कि ये आपका लॉगिन पेज है, यहाँ पे मेरा लॉगिन दिखा भी रहा है और पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन होम, तो अप्लाई फॉर फ्रेश और रीइशू ऑफ पासवर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बहुत सारा है। तो जैसा कि आप स्टैंडर्ड मेरे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है इस कंट्री के, तो आपके लिए क्या करना है कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। और यहाँ पे क्या दिखता है कि व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशन, अगर आप सेव करके रखें एप्लीकेशन तो वो दिखेगा यहाँ पे। डाउनलोड ई फॉर्म, तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा आपका ऑनलाइन के बेसिस पे है। आपको अगर फी कैलकुलेशन चेक करना है तो फी कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे होगा कि पासपोर्ट, टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रेश, एज आपका जो भी एज है मैं 18 के अबव करता हूँ, नंबर ऑफ बुकलेट 36 पेज 60 पेज जो कि मैंने पहले भी बोला था आपको, 36 पेज नॉर्मल कैलकुलेट फीस 1500, 60 पेजेस नॉर्मल 2000 रुपीज। ओके, तो चलते हैं एप्लीकेशन होम में। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। जैसे ही आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहता है, एक कि आप ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन में कंप्यूटर में बैठ के आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके मैं दूसरे किसी वीडियो में दिखाऊंगा, ये वीडियो में सिर्फ ऑनलाइन दिखा रहा हूँ मैं। तो एक बार आप इसके में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो पहला पेज खुलेगा वो होगा अप्लाइंग फॉर व्हाट, फ्रेश पासपोर्ट या फिर रीइशूइंग ऑफ पासपोर्ट। तो हम लोग करते हैं फ्रेश पासपोर्ट। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेंट नॉर्मल, टाइप ऑफ बुकलेट जो कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं 36 या 60 पेजेस, डिफरेंस मैंने बता दिया था आप लोगों की 36 पेजेस और 60 पेजेस में क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए मैं 36 पेजेस करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो पेज खुलेगा इसमें आएगा आपका एप्लीकेंट डिटेल, इसमें आपको आपका नाम देना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए जो हम लोगों ने नाम चूज किया था राहुल, सरनेम रॉय, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये ब्लॉक लेटर्स में हो जाएंगे। जेंडर मेल चूज करना है आपको, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हो जो कि नहीं है तो नहीं। Have you ever changed your name? अगर आप चेंज किए होंगे तो येस कीजिएगा, पूरा डिटेल्स दीजिएगा। अगर आप कभी चेंज नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 1992 वहाँ पे चूज़ किया था तो वैसे ही 1992 नवंबर 5th चूज़ कर लेते हैं। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या आउट ऑफ इंडिया है? नो, मतलब आप इंडिया में ही पैदा हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ सिटी टाउन, तो कोलकाता कर दीजिए। और अगर आप दूसरे कई सिटी से हैं जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहीं से हैं तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। स्टेट जैसे कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है तो वेस्ट बंगाल। डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डायमंड हार्बर, ये डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप क्या है, डिवोर्सी, मैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, तो सिंगल चूज़ करते हैं हम लोग। आप जो भी है वो आप डाल दीजिएगा, आप सिंगल है तो आप सिंगल डालिएगा, आप मैरिड है तो मैरिड डालिएगा। और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, अगर आप यहाँ पे पैदा हुए तो यू आर अ लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो पैन कार्ड का जो डिटेल्स है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, वोटर आईडी का जो डिटेल नंबर है, आईडी नंबर होता है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, आपका जो ओरिजिनल है वो दिखाइएगा यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप
प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो प्राइवेट लिख दीजिएगा, नॉन एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए रेफरेंस ले लेते हैं स्टूडेंट। आप अगर माइनर है और आपके कोई भी पेरेंट्स या फिर आपकी जो पत्नी है ऐसा कुछ जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? अगर नहीं है तो नहीं, अगर कोई आपके घर से गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यस कीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि इसका कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं करता है, नो कर देते हैं। क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है 9th, 10th pass, 7th pass, बिलो 8th and 9th standard। तो इस सेक्टर में हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव। अब आपको क्या करना है कि आपके विजुअली मार्क्स कुछ है क्या, आपके मुंह में, चेहरे में, कहीं पे भी विजुअल मार्क्स है जो डायरेक्टली दिखता है, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। सपोज कीजिए कि इसका नहीं है, और डेफिनेटली जो है आपका आधार नंबर यहाँ पे दीजिएगा। आधार नंबर देने से क्या होगा, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद यहाँ छोटा सा एक पासपोर्ट सेवा ऑप्टेन, ये सब है। आपको क्या करना है कि आई एग्री करना है, नेक्स्ट करना है, और आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा ही। आप अगर आधार नंबर नहीं डालते हैं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ फिर से, क्योंकि एप्लीकेशन जाएगा नहीं। तो एनीवेज, ये पैन कार्ड का जो नंबर था ये वैलिड नहीं था। तो एनीवेज चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में, फैमिली डिटेल्स, फादर्स गिवन नेम। तो आपके पापा का क्या नाम है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो जो भी है आपको वहां लिखना है। अविक रॉय, सॉरी, यहाँ पे आपका सरनेम के जगह सरनेम आएगा, रॉय। मदर्स नेम में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि रितु रॉय, ये सब इमेजिनरी नेम्स है। आप किसी के साथ किसी को जोड़ने का कोशिश मत कीजिए। एनीवेज, तो ये हो गया फादर्स नेम, मदर्स नेम। ओके, तो अगर आपका फादर मदर कोई नहीं है, उसके भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है कि लीगल गार्जियन नेम, मतलब आप जिसके साथ रहते हैं, लीगल गार्जियन जो है, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आएगा रेसिडेंशियल एड्रेस वाला। रेसिडेंशियल एड्रेस के पास यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको रिसाइडिंग सिंस व्हेन, मतलब आप अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कौन से उम्र से रहते हैं। जैसे कि आप अगर यहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे हमेशा रहते हैं, तो आपको आपका जो बर्थ डेट है वो लिख दीजिएगा, जैसे कि नवंबर 1992, ये आपको लिखना है। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, तो हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका हाउस नंबर और स्ट्रीट एड्रेस है। सपोज कीजिए कि ये जो जगह है ये एक इमेजिनरी जगह है, मैं अपना घर का एड्रेस ऑब्वियसली नहीं दे रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 3/2 2D न्यू अलीपुर, न्यू अलीपुर रोड। ओके, तो विलेज इन टाउन कोलकाता। स्टेटस, सॉरी, स्टेट आपको वेस्ट बंगाल चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं ये चूज कर लेता हूँ। ओके, अब पिन कोड डालना है। तो पिन कोड आपको जो डालना है, सपोज कीजिए कि जो भी आपका पिन कोड है, हमारे कोलकाता का 7 से स्टार्ट होता है, 7001 से स्टार्ट होता है, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आप डाल दीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये जो पिन कोड है ये है 70023, पकड़ लेते हैं, सॉरी 25 पकड़ लेते हैं। फ़ोन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसे कॉल मत कीजिएगा। तो ये जो नंबर है, ये नंबर आपका खुद का डालिएगा, और इस नंबर पे ही आपका पूरा डिटेल्स जो है वो आएगा। अगर आपको ईमेल आईडी डालना है तो ईमेल आईडी दे दीजिएगा,
और ये अगर आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपने डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। इज अ परमानेंट एज अ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यस, मतलब आप अभी भी वहीं पे रहते हैं जो एड्रेस आपने यहाँ पे डाला था, और परमानेंट एड्रेस भी यही है। तो इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लेटर भी वहीं पर जाएगा और आपका कोई भी डिटेल्स जो है वो भी वहीं पे जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ जो है कि पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन है, मैं कर लेता हूँ ये डांगनावर पुलिस स्टेशन। ओके, ये सब एग्जांपल है, आप ये सेम चीज़ मत डालिएगा। ओके, तो अब क्या करना है कि आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, हाउस, स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, और परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मतलब अभी का जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और मैंने जो एड्रेस भरा है वो सब सेम है। क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। अच्छा, पिन कोड मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग पिन कोड 145। ओके, तो अभी आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस। तो जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, उसको क्या करना है कि आपके अगर घर में कोई भी है, सपोज़ कीजिए कि आपके पापा है, मम्मी है, या फिर दोनों है, तो दोनों में से कोई एक जन का नाम एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि घर वाले जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। एनीवेज, आपका अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई और है, सपोज़ कीजिए कि आप मैरिड है और आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है, तो उनका नाम डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा। और डेफिनेटली आप अगर आपका आप अगर स्टूडेंट है और आपका गर्लफ्रेंड हुआ है या फिर बॉयफ्रेंड हुआ, तो डेफिनेटली उनका नाम मत दीजिए। दीज आर फॉर फ्यूचर पर्पस, तो वो सब मत कीजिए, बेटर होगा, आपके घर वालों का ही नाम दीजिएगा। एनीवेज, ये थोड़ा पर्सनल था, गाली मत दीजिएगा कमेंट में प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं अविक रॉय। तो जो भी एड्रेस था वो एड्रेस आप यहाँ पे डालिएगा। टेलीफोन नंबर जो आपने दिया था वो मत डालिएगा, आपके जिसका भी आपने नाम भरा है यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर दीजिएगा। तो ओके, तो ये नंबर हमने डाल दिया। अब क्या करना है कि नेक्स्ट पेज में जाना है, नेक्स्ट पेज में जाना है, नेक्स्ट दबा के उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस नेम एंड एड्रेस। तो सपोज कीजिए कि आपका ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, इनकेस अगर रेफरेंस लेना है किसी से कि आप कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, किसी से अगर पूछना है, कुछ करना है, तो आपको क्या करना है कि उन दो जन का नाम यहाँ पे देना है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे देना है, सेकंड पर्सन यहाँ पे देना है, उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस डालना है। तो सपोज़ कीजिए कि आपके घर के लोगों को छोड़ के, ओके, तो ये आप क्या कर सकते हैं, नज़दीकी जो फ्रेंड है उनका आप दे सकते हैं, या फिर आपके चाचा का, मामा का, वो नाम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं रहते हो, आसपास रहते हो, या फिर आपके कॉम्प्लेक्स में अगर फैमिली फ्रेंड है तो उनका भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। ओके, तो ये डिटेल्स मैं भर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं सेम ही डालता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको फिर से डालना है कुछ, तो यहाँ पे भी डाल देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे फिर से आपको नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आपने अगर यहाँ से, मतलब आप अगर अदर स्टेटलेस से हैं, जैसे कि टिबिटेंस लोग होते हैं, वो उनका क्या होता है कि वो यहाँ पे जो लोग इमिग्रेंट करके आ गए, या फिर नेपालीज जो लोग इमिग्रेंट करके आ गए यहाँ पे इंडिया में बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, तो उनके पास क्या होता है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वो लोग बनाते हैं कि वो लोग टिबिटेंस हैं और यहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, अलग से एक सर्टिफिकेट बनता है।
तो वो अगर आप होल्ड करते हैं, सपोज कीजिए कि आप इंडियन नहीं हैं, बाहर से इमिग्रेंट करके आए हैं, बहुत पहले आपके फोर फादर्स आए होंगे तो आप भी यहाँ पे रह गए, तो अगर वैसा कुछ है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। जनरली ये नो ही होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि डिटेल ऑफ प्रीवियस एप्लीकेशन, तो मतलब इससे पहले आपका अगर डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल दीजिएगा। अगर आपका पहले पासपोर्ट था या फिर आपने सेव किया था, अप्लाई किया था कुछ, पासपोर्ट नंबर जो है वो डालिएगा, डेट ऑफ इश्यू, एक्सपायर ये डालिएगा। अगर नहीं है तो नो डिटेल्स अवेलेबल कीजिएगा। तो जनरली आप अगर फर्स्ट टाइम पासपोर्ट भर रहे हैं तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल नीचे वाला होगा। Have you ever applied for passport but not issued? अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था इससे पहले, इशू नहीं हुआ, तो यहाँ पे येस कीजिएगा। अगर कभी हुआ ही नहीं है तो नो। और जैसे कि आप फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो नो ही होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल, मतलब आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं है, तो आपको नो करना है। ऑब्वियसली आपका नहीं है। तो यहाँ पे और भी है कि हैव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स डेट ऑफ एप्लीकेशन कोर्ट में गए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस है आपका, नहीं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट, नो। हैव योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंड और रिवोक्ड, नो। मतलब किसी ने ले लिया था, मतलब पासपोर्ट आपका ले लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर रिफ्यूज़ किया गया, डिनाइड किया गया पासपोर्ट देने से, तो ये जो पेज है इसमें सारा नो ही होगा। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया एन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, मतलब इमरजेंसी में आप रिटर्न किए हैं इंडिया में, नहीं तो पासपोर्ट ही नहीं बना तो इंडिया के बाहर गए ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो है सब नो होगा। ये जो है ये आपका पासपोर्ट कैसा बनेगा, ये पूरा डिटेल्स में आपका दिया हुआ है। ओके, पासपोर्ट का इनसाइड कैसा बनेगा, तो ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट टाइप पी जो भी है, तो कंट्री कोड IND, आपका सरनेम पहले आएगा, उसके बाद नाम आएगा, इंडियन, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और आप जब वहाँ पे जाएंगे पासपोर्ट, जिस दिन आपका एप्लीकेशन डेट होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फ़ोटो जो होगा वो लोग वहीं पे क्लिक करेंगे। ओके, सिग्नेचर भी वो लोग वहीं पे ले लेंगे, फिर डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, ये तो वो लोग दे देंगे, जिस डेट में वो लोग इशू करेंगे उससे 10 साल बाद एक्सपायर होगा, 10 ईयर्स। ओके, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस रहेगा। ओके, ये है आपका पासपोर्ट, वो लोग दिखाते हैं डिजिटलाइज्ड, यहाँ पे लिखा भी है पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, लिखना पड़ता है आपको। ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिए कोलकाता, या फिर आप जो भी स्टेट से हैं, जो भी सिटी से हैं वो लिख दीजिए। आज का डेट जैसे कि 16/11/2017 है, 16/11/2017, आई अग्री करने के बाद क्या करना है यहाँ पे कि आपको पासपोर्ट सेवा, जो 45 रुपीज़ का मैंने SMS का बात बोला था, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है 45 रुपीज़। फिर यहाँ पे एक आएगा 45 रुपीज़, जो आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट के दिन वन टाइम एनरोलमेंट चार्ज है, एक बार के लिए 45 रुपीज़ लगता है, वो आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म आप करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन, सॉरी, एक बार आप पासपोर्ट फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको क्या, प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शन, सॉरी भूल गया मैं ये, तो यहाँ पे भी आपको से येस करना है, फिर यहाँ पे सबमिट फॉर्म करना है। ओके, तो एक बार ये फॉर्म सबमिट हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर ARN नंबर इज, ये नंबर है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ओके, प्रिंट एप्लीकेंट रिसीप्ट, अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, प्रिंट एप्लीकेंट रिसीप्ट, ये जो है ये आपको प्रिंट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, ARN नंबर है, डिटेल्स है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ये आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट एप्लीकेंट रिसीप्ट प्रिंट होगा। ओके, बैक जाते हैं। अब क्या करना है, आपका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ था, जस्ट आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा नहीं। ओके, जब तक आप पेमेंट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट एन ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट, बैंक चलान,
बैंक चलान है तो आपको SBI ब्रांच में जाके पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इस सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए बैंक अकाउंट की डिटेल्स में खुलेगा, ये आप देख लीजिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका पेमेंट पेज में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया PSK कोलकाता, मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र कोलकाता, अवेलेबल डेट 17/11/2017, मतलब कल ही जो है। ओके, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र आसानसोल, आसानसोल में, रायगंज, रायगंज में भी है, फिर बहरमपुर, गैंगटॉक, आगरतला, सिलीगुड़ी, कोलकाता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि दूसरे दूसरे जगह भी, जो जगह पे है ये सब, वो सब जगह भी दिखाते हैं। तो जैसे कि PSK कोलकाता अवेलेबल है आपका 17 को, मतलब कल ही है, तो आपके वहाँ भी ऐसा ही होगा, मे बी एक दो दिन का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपको लेना है। तो सपोज़ कीजिए कि आप कोलकाता में, तो कोलकाता वाला चूज़ करना है आपको। इनके सपोज़ कीजिए कि कल आप ट्रैवल कर रहे हैं सिलीगुड़ी, आज आप फॉर्म फिलअप किए और कल ही आपका डेट आ गया कि आपका, या फिर कहीं और जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि गैंगटॉक जा रहे हैं। ओके, तो आप वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसी लिए ये डेट सब दिया गया। एनीवेज, तो ये आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं 448MCF76, ओके, ये आप सबमिट करते हैं, नेक्स्ट होता है। ओके, नेक्स्ट होता है, आपको क्या करना है कि पेमेंट वंस मेड फॉर अवेलेबल पासपोर्ट सेवा विल नॉट बी रिफंड, इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन प्लीज डू नॉट पे अगेन कन्फर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका गिवन नेम, सर्विस टाइप, ये सब आ गया, टोटल फीस 1500, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। अब आपको क्या करना है कि पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, तो इस पे अर्लियर अपॉइंटमेंट, अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट इज 17/11/2017, प्रोसीड टू पे एंड बुक। तो जैसे ही पे एंड अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट आपका पेमेंट साइट में जाएगा, जैसे नॉर्मली इंटरनेट में पेमेंट होता है वैसे पेमेंट होगा। मैं पेमेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं, मेरा पासपोर्ट चला गया। ओके, तो अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन होम में आते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं, व्यू एंड सेव्ड सबमिटेड डॉक्यूमेंट। तो ऊपर वाला जो है वो मेरा वाला है, मैंने ब्लर कर दिया है इसीलिए ताकि ना दिखे। ओके, ये आपका एप्लीकेंट दिख जाएगा। और एक बार आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ पे आपका फाइल नंबर जो है, फाइल नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखा रहा है, अपॉइंटमेंट नंबर नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है आपका, डेट कब था, सबमिटेड डेट, वो भी दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो ये था प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, बैक आना है। आपने एक बार अपॉइंटमेंट सबमिट कर दिया, आपका अपॉइंटमेंट चला गया है, तो अब आप क्या करना है कि आप अगर जाके घूम के आए हैं, आपने अपॉइंटमेंट दिया था वहाँ पे, आपका सब डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड हो गया, आपके पास मैसेज आएगा कि एवरीथिंग इज रे, उसके बाद क्या कर सकते, ट्रैक एप्लीकेशन एंड स्टेटस। तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि पासपोर्ट, उसके बाद आपका फाइल नंबर जो भी है वो आपको टाइप करना है। तो जैसे कि ये मेरा फाइल नंबर है तो मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया, ओके, तो यहां पे दिखा रहा है मेरा फाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, गिवन नेम, सरनेम, नॉर्मल डेट, किस डेट में हुआ था, पुलिस वेरिफिकेशन, ये दिखा रहा है। ओके, तो ये है आपका स्टेटस चेक करने का। और इसके बाद भी आप अगर कभी लॉगिन करते हैं इस साइट में तो आपको एग्जिस्टिंग यूजर से ही लॉगिन करना है। Hey, what is up guys? ये वीडियो जो था, ये पूरा वीडियो मैंने आपको डिटेल में दिखाया कि आपको पासपोर्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है। बस लास्ट में पेमेंट मैं नहीं किया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट मैं डाल दिया हूँ उसमें, क्यू में है, तो उसी ने मैंने पेमेंट नहीं किया, फिर से मेरा 1500 रुपये चला जाता। एनीवेज, तो ये पूरा प्रोसेस था। आई थिंक आप जब भी पासपोर्ट एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि पूरा जो था सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डिटेल में आपको समझाया है।
सो ये था, और ये वीडियो मोस्टली जो था वो कंप्यूटर के ऊपर था, तो मैंने कुछ सेटअप वेटअप ला के शूट नहीं किया, तो इसलिए ब्लॉग टाइप मैं लास्ट का पार्ट शूट कर रहा हूँ, एंड कैसे करना था वो मुझे करना था इसीलिए। तो एनीवेज थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आई गेस जिनको ज़रूरी है पासपोर्ट बनाना उनके लिए ठीक है, और अगर आपको आपके पास पासपोर्ट है और या फिर भी देख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है तो थैंक्स अलॉट। जाने से पहले प्लीज़ लाइक करके जाइएगा अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। सो एनीवेज थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।